वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी का प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस, जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको इकोनॉमिक्स से समझने के लिए यह वीडियो आपको काफ़ी फायदेमंद होगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जरूर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। कह रहा है कि ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हमेशा इंक्रीज़ किया है पिछले पाँच साल में, और ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम है वो भी हमारा स्टीडली इंक्रीज़ किया है लास्ट के 5 साल में। ये दोनों स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ग्रोथ रेट इन जीडीपी की बात किया जाए तो ग्रोथ रेट हमारा जीडीपी हमेशा इंक्रीज़ नहीं किया है पिछले 5 साल में, ऊपर नीचे हुआ है। तो ऑब्वियसली हमारा स्टेटमेंट वन जो है वो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट टू की बात किया जाए ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम हमेशा जानते हैं कि बढ़ता है, हमेशा स्टेडली इंक्रीज़ करता है। बट 2020 में क्या हुआ सिनारियो कि 2020 में लॉकडाउन होने के चलते इकोनॉमिकली काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है इंडियन इकोनॉमी में। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ग्रोथ रेट हमारा 2020 में इंक्रीज़ नहीं किया है, डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो स्टेटमेंट टू भी हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है जो नाइदर वन और नाइदर टू। अगर सिर्फ उससे पहले की बात किया जाए 2019 तक की अगर बात किया जाए तो 2019 तक हमारा जो ग्रोथ रेट है वो स्टेडली इंक्रीज़ किया था, तो स्टेटमेंट टू करेक्ट हो सकता था। बट राइट नाउ स्टेटमेंट टू जो है वो इनवैलिड होगा, इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो की। तो क्वेश्चन नंबर दो में बोल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल विथ, किससे है, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और हाइपरइन्फ्लेशन। अब समझते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ लोगों के पास पैसा ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। जब पैसा बढ़ गया मतलब डिस्पोजेबल इनकम ऑन द लोगों के पास जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा मतलब खर्च लोग ज़्यादा करेंगे मतलब डिमांड बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा ऑब्वियसली वस्तुओं की प्राइसेस हाई होगा। जब वस्तुओं की प्राइसेस हाई हो रही है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है हो रहा है, महंगाई हो रही है। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ इज डायरेक्टली कपल्ड विद द इन्फ्लेशन, हमारा दूसरा का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब हम समझ गए कि इन्फ्लेशन में जो है प्राइस जो है हमेशा बढ़ता है, इंक्रीज करता है। डिफ्लेशन में क्या होता है प्राइस जो है रेट जो है वो घटता है, ठीक है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, स्टैगफ्लेशन में जो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो रहेगा कम रहेगा मगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका बढ़ेगा। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि हाइपर इन्फ्लेशन इज़ द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इन विच हमारा जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो जाता है। जब इन्फ्लेशन काफ़ी उच्चतम हाई दर पर रही, काफ़ी हाई रेट से हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। तो अब क्वेश्चन नंबर तीन की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर तीन बोल रहा है कि अगर आरबीआई बैंक रेट को कम करती है तो क्या इम्पैक्ट होता है। जब आरबीआई बैंक रेट को कम कर देगी मतलब कमर्शियल बैंक के पास जो है वो पैसा बढ़ेगी, कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा हो गया, इंक्रीज़ किया, इसका मतलब लोगों के पास, लोगों को लोन देने के लिए बैंक के पास पैसा सफिशियंट है, लोन ज़्यादा मिलेगा। जब लोन ज़्यादा मिलेगा मतलब लोगों की लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा पहुँचेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट तीसरा का जो है ए जो है करेक्ट है। वंस क्या होता है कि आरबीआई जब रेट कट करने लगती है तो बैंक के पास पैसा बढ़ने लगता है, तो ऑब्वियसली वो हमारा लिक्विडिटी जो है मार्केट में इंक्रीज़ करता है। और लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए ही आरबीआई जो है स्टेप्स लेते हैं, रेपो रेट का इंक्रीज़ डिक्रीज़, बैंक रेट का इंक्रीज़ डिक्रीज़, ये सारे टूल्स को यूज़ करके ही मार्केट के इकोनॉमिकली लिक्विडिटी को मैनेज करता है आरबीआई। अब बात करते हैं बैंक रेट। तो बैंक रेट हमारा करंट सिचुएशन में हमारा जो बैंक रेट है 4.25%। अब बात करते हैं बैंक रेट में क्या होता है कि बैंक रेट में कमर्शियल बैंक है कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई विदाउट एनी सिक्योरिटी, किसी सिक्योरिटी के अनुसार मतलब किसी प्रकार का कोलेटरल और सिक्योरिटी को दिए बगैर ही आपको 4.25% से इंटरेस्ट रेट से बैंक जो है कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा ले सकती है। दूसरा भी हमारा क्या टेक्निक है, रेपो रेट के थ्रू। तो आरबीआई क्या है कि आरबीआई रेपो रेट के थ्रू भी बैंक को पैसा देती है, और आरबीआई है जो रेपो रेट के थ्रू देती है तो आरबीआई को कोलेट्रल देना पड़ता है बैंक को, ठीक है। तो जब
क्या होता है कि रेपो रेट में क्या होता है कि कोलेट्रल इज़ रिक्वायर्ड, मैंडेटरी होती है, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है बैंक को, तभी आपको आरबीआई लैंडिंग करती है मनी का। बैंक रेट में है, कोई सिक्योरिटी मत दीजिए, डायरेक्ट पैसा ले लीजिए। यही वजह है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा हाई होता है, बैंक रेट इज़ ऑलवेज हायर देन रेपो रेट। अब करंट रेपो रेट की बात किया जाए वो 3.35% है, जबकि बैंक रेट है 4.25%। ठीक है, इसके अलावा कुछ और रेट क्या होता है, जैसे MSF की बात किया जाए तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो रेट है वो 4.25% है। CRR की बात किया जाए तो कैश टू रिजर्व रेशियो 4% है, और SLR की बात किया जाए वो 18% है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर अब 3 डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में है पूछ रहा है कि FIIs और FDI के संबंध में कौन जो है स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो FIIs क्या होता है कि FIIs जो है आपको हेल्प करता है कैपिटल अवेलेबिलिटी के लिए। ठीक है, कैपिटल अवेलेबल हो इसके लिए FFI जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हेल्पफुल होता है। वहीं FDI होता है, वो FDI पर्टिकुलरली कोई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, ऑटो सेक्टर हो गया, हमारे डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमी में सेक्टर होती है ना, तो वो आपको पर्टिकुलरली सेक्टर स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट आते हैं, IT सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ये सारे में। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो FII इज़ हेल्प इन इंक्रीजिंग द कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल, वाइल FDI ओनली टारगेट द स्पेसिफिक सेक्टर फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो चौथा का बी जो है करेक्ट आंसर है। अब 5 की बात किया जाए तो 5 में बोल रहा है कि जो इन गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है इंक्लूसिव ग्रोथ के, उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सही स्टेटमेंट है सही है। तो फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, तो फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोमोशन सेल्फ हेल्प ग्रुप इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 जो है ये सही है। स्टेटमेंट के प्रोमोटिंग द माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव है हमारा कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो, तो हमारे छोटे छोटे कस्बे में जो भी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज हैं उसमें भी क्या है उसको प्रमोट करें, उसको ज़्यादा प्रोग्रेस ग्रोथ हो, अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसको प्रमोशन मिलना चाहिए ताकि हमारा इंक्लूसिव छोटे तबके से लेकर के बड़े लोगों का भी ग्रोथ हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 भी है हमारा, हर लोगों में इम्प्रूवमेंट आए। इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू एजुकेशन एक्ट, ऑब्वियसली लोगों के पास एजुकेशन बढ़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, लोगों का जो मेंटली जो है सोचने का लेवल इंक्रीज करेगा, तो हर परस्पेक्टिव में ओवरऑल जो है ग्रोथ इंक्रीज होगा। तो राइट टू एजुकेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल और ऑब्जेक्टिव हमारा गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव है फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो 1, 2, 3 जो है हमारा क्या गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ है, ये हमारा, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डिस इन्वेस्टमेंट जनरली कर रही है। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब इक्विटी का जो है होल्डिंग है वो सेल कर रही है टू द प्राइवेट पार्टनर्स। ठीक है, लोगों के बीच डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, तो डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये क्यों डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है, व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ डूइंग डिस इन्वेस्टमेंट ऑन देयर जो भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है, PSU है उसमें, अभी जो भी गवर्नमेंट है कंपनी उसमें क्यों डिस इन्वेस्टमेंट करी है? इसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया है, 1 और 2, आपको बताना है क्या जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट पहला है, गवर्नमेंट इंडेड टू यूज़ रिवेन्यू अर्न फ्रॉम द डिस इन्वेस्टमेंट मेनली टू पे बैक द एक्सटर्नल डेट। तो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी एक्सटर्नल डेट है उसको पे करने के लिए जो भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हैं, CPSEs हैं, उसमें डिस इन्वेस्टमेंट करी है। तो स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो किसी प्रकार का एक्सटर्नल डेट को पे करने के लिए कंपनी को बेचना या इक्विटी को सेल आउट करना, ये जो है करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो गलत है पहला। दूसरा की बात किया जाए, दूसरा बोल रहा है गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ CPSE, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसका मैनेजमेंट कंट्रोल हमारे पास रहे। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 की बात किया जाए तो स्टेटमेंट 2 भी जो है हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि कोई भी चाहेगा नहीं कि हमारा मैनेजमेंट कंट्रोल चला जाए जब तक कि कोई एक जिनविन रीज़न हो। तो ये स्टेटमेंट 2 जो है, ये जो है एक रीज़न, प्रॉपर रीज़न नहीं है फॉर द डिस इन्वेस्टमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट का यही है कि ऑब्वियसली पैसा लेना चाहती है, बट ओवरऑल देखा जाए कि उस कंपनी में जो भी लॉस मेकिंग है या उस कंपनी में ग्रोथ कम है, या देखा जाए कि उसको अच्छे से वर्क करने के लिए लोग वहाँ पे सही काम हो, वहाँ उस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हो, इसको कंटेक्स्ट में देखते हुए डिस इन्वेस्टमेंट करती है, ताकि प्राइवेट इंटिटी का भी उस पर कंट्रोल रहे, ताकि जो कंपनी है वो प्रॉपर फंक्शनल काम करे। ठीक है,
और एक तो काम करे अच्छे से काम करेगी, दूसरा बात यह है कि जब सेल आउट करेगी तो कंपनी को इक्विटी सेल करने के पास बाद गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा और उस पैसे के यूज़ के लिए कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई नया प्रोग्राम या फिर डेवलपमेंट का कोई नया प्रोग्रेस प्रोग्राम शुरू कर सकती है। तो वो फ्यूचर प्रस्पेक्टिव में इकोनॉमिक फ्यूचर कैसे ग्रोथ हो जाए उसके लिए यूटिलाइज मनी कर सकती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन भी इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट टू भी इनकरेक्ट है, तो छठा का करेक्ट आंसर है वो डी होगा, नाइदर ए और नाइदर बी। क्वेश्चन नंबर सात की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर सात में है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में कैपिटल गेन अराइज, किस सब्सटेंस आपको जो भी स्टेटमेंट दिया गया किस सर्कमस्टांस में आपको कैपिटल गेन अराइज होगा, ठीक है। आपको बताना है मेनली कि कैपिटल गेन कब कब प्राप्त हो सकती है। स्टेटमेंट वन में बोल रहा है कि व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द सेल ऑफ प्रोडक्ट, जब कोई भी वस्तुओं का अगर सेल्स में ग्रोथ हो रहा है बढ़ रहा है तो कैपिटल गेन होगा, ये है। तो ये स्टेटमेंट पहला जो है वो आपको इनकरेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट टू दो जो बोल रहा है व्हेन देयर इज ए नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन, किसी भी प्रॉपर्टी में ऑब्वियसली कोई प्रॉपर्टी है खरीदे हैं जैसे लैंड है, उस प्रॉपर्टीज में लैंड में अगर प्राइस ऑब्वियसली बढ़ रहा है, मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली लैंड में कुछ नहीं किए बट खरीद के रखे रहे हैं, ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, तो जो भी कैपिटल था और ऑटोमेटिकली वो उसका वैल्यू बढ़ रहा है, उसमें कुछ गेन हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दो जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट तीन की बात किया जाए, स्टेटमेंट तीन कह रहा है व्हेन यू आर परचेजिंग अ पेंटिंग एंड देर इज़ अ ग्रोथ इन इट्स वैल्यू ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलरिटी, अगर कोई पेंटिंग आप खरीदें और उसका पॉपुलर हो गया, वो पेंटिंग काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, लोगों के पास डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। तो पेंटिंग तो आप खरीद लिए, कुछ चेंजेस नहीं किए उसमें, बट चूंकि लोगों का उसमें डिमांड बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली प्राइस क्या वैल्यू होगा, तो वो आपका पेंटिंग एज अ कैपिटल होगा और लोगों का डिमांड के चलते प्राइस बढ़ रहा है, मतलब उसमें गेंस हो रहे हैं, तो स्टेटमेंट तीसरा भी जो है हमारा करेक्ट होगा। तो करेक्ट सतमा का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका बी, ओनली टू एंड थ्री। क्वेश्चन नंबर आठ की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर आठ में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड रिजल्ट इन अ इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द कंट्री इकोनॉमी, तो आपको ये जो भी चार स्टेटमेंट दिया गया है किस में आपको मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमी में, ये आपको यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये स्टेटमेंट वन कह रहा है परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल, ठीक है। दूसरा कह रहा है डिपोजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय पब्लिक, तीसरा कह रहा है बोरिंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक, और चौथा कह रहा है सेल्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू दी पब्लिक बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब बात किया जाए कि पहला स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, तो अगर आरबीआई पब्लिक के पास जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको खरीदती है, तो खरीदेगी सिक्योरिटी जो भी अगर पब्लिक के पास है तो पब्लिक के पास पैसा जाएगा, जब पैसा जा रहा है इसका मतलब मनी सप्लाई हो रहा है, तो स्टेटमेंट वन जो है करेक्ट है क्योंकि ये मनी जो है सप्लाई को इंक्रीज करेगा। दूसरा स्टेटमेंट डिपॉजिट ऑफ द करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक, जो भी पब्लिक है वो ऑब्वियसली बैंक में लेन देन डेली हमेशा करती रहती है कमर्शियल बैंक में, तो ये ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होता है, इकोनॉमी में जो पैसा रन हो रहा है उसमें नहीं इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट दो जो है डिपॉजिट बाय द पब्लिक इनटू द बैंक विल नॉट इंक्रीज द मनी सप्लाई, ऑब्वियसली सप्लाई नहीं इंक्रीज करेगा। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, तो देखिए जब भी पैसा का मनी सप्लाई की बात किया जाए, जब भी सप्लाई की बात किया जाएगा इसमें सेंट्रल बैंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल करता है, सेंट्रल बैंक ही पैसा को रोकेगा या लेन देन करेगा, तो पैसा का फ्लो जो है सेंट्रल बैंक एज अ जंक्शन काम करेगा, वही आपको फ्लो को रोकेगा या इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो जब भी सेंट्रल बैंक की बात किया जाए वही मेन रिस्पॉन्सिबल होता है इकोनॉमी में पैसा को सप्लाई करना है या रोकना है या इंक्रीज डिक्रीज। तीसरा स्टेटमेंट कर रहा है बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो ठीक है ऑब्वियसली ये भी स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है किसी प्रकार का अगर बोरो करती है फ्रॉम द सेंट्रल बैंक तो ऑब्वियसली मनी सप्लाई जो है आपका इंक्रीज करेगा, तो ये जो सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, अगर सेंट्रल बैंक किसी प्रकार का गवर्नमेंट सिक्योरिटी को पब्लिक को सेल करती है तो
तो पब्लिक को सेल कर रही है, मतलब पब्लिक उसको खरीदेगा और पब्लिक पैसा पे करेगी किसको, सेंट्रल बैंक को। तो पैसा जो है वो सेंट्रल बैंक के पास जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो है मनी सप्लाई जो वो कम हो रहा है, पैसा खींच रहा है सेंट्रल बैंक। तो ये स्टेटमेंट जो है चार इनकरेक्ट होगा, मनी सप्लाई को ये डिक्रीज करेगा ना कि इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो वन और थ्री जो है करेक्ट है, इसलिए आठवां का सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की। क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपको करेक्ट है। तो नौमा का जो बोल रहा है कि सब्सिडीज ऑफ कंपनी इन इंडिया, दूसरा मेजोरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनी, कंपनी एक्सक्लूसिव फाइनेंस बाय द फॉरेन कंपनी, और आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो अगर किसी प्रकार का अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया में तो क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का। तो ऑब्वियसली किसी प्रकार की कोई भी कंपनी है उसके सब्सिडीज में अगर इंडिया में है उसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी हमारा FDI के अंदर, कोई फॉरनर अगर लिए तो। दूसरा है कि मेजोरिटी फॉरेन इक्विटी, तो अगर किसी प्रकार का मतलब इंडियन कंपनी है उसमें अगर मेजोरिटी रहता है इक्विटी होल्डिंग का फॉरेन कंपनी फॉरनर के द्वारा, ठीक है, फॉरेन मेजोरिटी रहा तो हमारा क्या आएगा, FDI के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन तीसरा की बात कीजिए, कंपनी एक्सक्लूसिवली फिनेंस बाय द फॉरेन कंपनी, अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है उसके द्वारा अगर किसी इंडियन कंपनी को फिनेंस किया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये जो भी है आपका आएगा इट वुड इंक्लूड इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट कंसिडर एज FDI, तो ऑब्वियसली ये चौथा है ये इनकरेक्ट होगा। तो 1, 2, 3 इज द करेक्ट, तो नौमा का डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड, तो इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी करेंसी जैसे इंडियन रुपीज़ जो है, ठीक है, उसका जो प्राइस है फ्लक्चुएशन विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर वो कैसे डिसाइड होता है। तो किसी भी करेंसी का जो मार्केट प्राइस है, ठीक है, प्राइस जो है वो कैसे डिसाइड होता है, तो स्टेटमेंट आपको ये कह रहा है पहला वर्ल्ड बैंक, इट इज़ डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड बैंक। दूसरा बोल रहा है कि डिमांड फॉर गुड्स स्लैश सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दी कंट्री कंसर्न। तो देखिए प्राइस में इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी करेंसी का प्राइस के लिए वर्ल्ड बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, तो पहला जो है वो इनकरेक्ट है। दूसरा कह रहा है डिमांड फॉर गुड्स सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न, ऑब्वियसली अगर कोई भी वस्तुओं का है डिमांड जो हो रहा है उस कंट्री के रिस्पेक्ट में तो ये रिस्पॉन्सिबल रहता है आपको मनी के फ्लक्चुएशन में और वैल्यू में, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका ये है सही, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री, किसी भी कंट्री में अगर स्टेबल गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली उसकी करेंसी में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। अगर गवर्नमेंट अनस्टेबलाइज है, काफ़ी मतलब चेंजेस हो रहे हैं गवर्नमेंट में, तो अनस्टेबलाइज गवर्नमेंट में करेंसी में ओवरऑल इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ये भी है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए तो क्वेश्चन ये स्टेटमेंट 4 जो है, स्टेटमेंट 4 का इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द ग्रोथ इन क्वेश्चंस, नहीं ये जो है ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। तो 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर, तो हमारा 10 का जो है बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि जो ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है IIP का जो इंडेक्स है इसमें हमारा जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उसका वेटेज जो है काफ़ी हाई है 37 to 90%। तो ऑब्वियसली हमारे जो कोर 8 इंडस्ट्री उसका वेटेज हाई है, तो आपको बता रहा है कि वो 8 कोर इंडस्ट्रीज में कौन कौन सा है जो लिस्टेड है। तो ये आपको सीमेंट हमारा 8 कोर इंडस्ट्रीज में आता है, 8 कोर इंडस्ट्री में हमारा जो सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी है, ये हमारा कोर इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल हमारा कोर इंडस्ट्रीज नहीं है। तो हमारा 8 कोर इंडस्ट्रीज में ये 4 तो लिस्टेड हैं, इसके अलावा जो 8 बचे हुए हैं वो हमारा कोल बचा हुआ है, क्रूड ऑयल है, स्टील है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये 8 हमारा आपको कोर इंडस्ट्री है। तो पांचवा जो है इनकरेक्ट है, 1, 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर। तो 11 का सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज असिमेट्रिक रिकॉर्ड ऑफ। अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को पहले समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक
क्या होता है कि ये एक स्टेटमेंट है, ओवरऑल इट इज रिप्रेजेंट कि स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, किसी भी देश के अंदर ये स्टेटमेंट है ऑल ट्रांजैक्शन मेड इन अ कंट्री। जैसे इंडिया है, तो इंडिया में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं विद द अदर नेशन, ठीक है, वो सारे लेन देन का ये लेखा जोखा एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो जो भी स्टेटमेंट देख होता है इंडिया में, जो भी ट्रांजेक्शन, तो उस स्टेटमेंट का ये लेखा जोखा बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखा रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि जो इसमें दो तरह के अकाउंट रहते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा रहता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या रहता है कि जो भी आपको क्रेडिट हुआ या डिपॉजिट हुआ करंट लेवल पे उसको इंक्लूड करते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है कि जो भी क्रेडिट हुआ और डेबिट हुआ उसका हम लोग डिटेल्स जो है आपको ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हो गया विजिबल प्रोडक्ट्स, अगर लेन देन हो रहा है विजिबल विजिबल प्रोडक्ट में, जैसे कोई भी वस्तुएं हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो आपको करंट अकाउंट में रहेगा। इनविजिबल जो रहते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर का अगर सेल करते हैं या परचेस करते हैं, तो वो हमारा करंट अकाउंट में आएगा इनविजिबल के अंतर्गत। यूनिलैटरल अगर किसी बात किया जाए कि ट्रांजैक्शन हो रहा है, किसी रिमिटेंस है और विदेश से पैसा किसी घर को भेजा जा रहा है, तो यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन में आपको, तो ये सारे भी जो चीज़ है आपको आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट सेक्शन में। अब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक दूसरा अकाउंट होता है जिसको हम कैपिटल अकाउंट आते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में अगर किसी फॉरेन कंपनी के द्वारा पैसा आ रहा है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो कैपिटल अकाउंट में उस ट्रांजेक्शन को नोट डाउन किया जाएगा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर लेन देन हो रहा है किसी प्रकार का, तो वो भी आपको ट्रांजेक्शन जो है आपको कैपिटल अकाउंट में आएगा। बैंकिंग कैपिटल जो है आपको कैपिटल अकाउंट में आता है। FDI, FIIs, ये सारे जो हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन एक पीरियड में, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में ये जो है जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका लेखा जोखा रहता है, एक स्टेटमेंट रहता है, ठीक है। तो यही है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और दो अकाउंट रहते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, हम आपको बता दिए थे। तो ये पर्टिकुलरली डिफिनेशन ही आपको कह रहा है कि ऑल इम्पोर्ट एंड ट्रांजेक्शन ऑफ अ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, ठीक है, नॉर्मली। तो ये है आपको 12 का ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात किया जाए तो 13 में बोल रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट द कमर्शियल बैंक इन मैटर्स ऑफ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है कमर्शियल बैंक के कौन कौन से मैटर पे आपको रेगुलेट करता है। लिक्विडिटी ऑफ असेट्स, ये ऑब्वियसली लिक्विडिटी किसी प्रकार का है तो रिस्पॉन्सिबल रहता है RBI। ब्रांच एक्सपेंशन, तो ब्रांच एक्सपेंशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि आपको किसी भी बैंक में रेगुलेट करना है, ठीक है, तो उसके ब्रांच किस प्रकार से हो, किस लोकेशन पे हो, रूरल एरिया में किस कितना परसेंटेज होता है, ठीक है। तो ब्रांच एक्सपेंशन के लिए रेगुलेट करने के लिए भी RBI रिस्पॉन्सिबल होता है। मर्जर ऑफ बैंक, किसी का बैंक जो है अगर वो घाटा में चल रहा है और उसके पास कैपिटल कम पड़ रहा है तो किसी और बैंक के साथ मर्जर हो, उसके लिए रेगुलेशन भी है वो RBI करती है। चौथा जो है बाइंडिंग ऑफ द बैंक, अगर कोई भी कंपनी चाहेगी कि नहीं हम बाइंड अप करके किसी इंडिया में इन्वेस्ट किए थे, जैसे सिटी बैंक है, सिटी बैंक इन्वेस्ट किया इंडिया में, ब्रांच ब्रांच यहाँ पे खोले, अब वो है अपना बाइंड अप करके जा रहा है, मूव ऑन कर रहा है इंडिया से, तो बाइंडिंग अप वो सारे रेगुलेशन को भी मैनेजर कर मतलब रिस्पॉन्सिबल करता है रेगुलेट करने के लिए आपको RBI, ठीक है। बैंक को ही क्लोज करना है, बैंक को ही अब ख़त्म करते हैं, बैंक अब नहीं चाहता कि हम रन करें ऑन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तब बंद कर देना चाहता है, तो उसको भी रेगुलेट करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल आता है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 13 का जो है 1, 2, 3, 4 इज़ करेक्ट, तो 13 का डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स। अगर बैंक रेट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो बैंक रेट इंक्रीज कर रहा है, तो बैंक रेट जब इंक्रीज होगा मतलब कि सेंट्रल बैंक जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मांगेगा। जब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक से मांगेगी तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक लोन लेने की कम कोशिश करेगी और लोन लैंड भी कम करेगी, तो इस हिसाब से क्या रहेगा कि कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम रहेगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब पैसा कम रहेगा तो लोन भी कम जाएगा, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी को क्या करता है, टाइट मनी पॉलिसी अप्रोच कर रहा है। तो सेंट्रल बैंक इज़ फॉलोइंग अ टाइट मनी अप्रोच कब, जब वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है, तो बैंक रेट जब इंक्रीज़ करता है तो 14 का डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कर रहा है इन इंडिया डिफिसिट फाइनेंसिंग इज़ यूज फॉर रेजिंग द रिसोर्स फॉर। तो 15 का जो करेक्ट है आपको आंसर,
वो 15 का है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्वियसली जो भी इसी प्रकार का जो डिफिसिट फाइनेंसिंग होता है उसका मेन जो गोल रहता है वो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही रहता है, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डेट, अगर रिडक्शन किसी प्रकार का पब्लिक डेट को रिडक्शन में कोई मतलब डिफिसिट फाइनेंसिंग की मेन गोल नहीं रहता, मेन ऑब्जेक्टिव रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, रिड्यूसिंग द फॉरेन डेट, ये सारे सेकेंडरी फैक्टर है, बट मेन फैक्टर जो है, प्राइमरी फैक्टर जो है, रिस्पॉन्सिबल रहता है और रेजिंग द रिसोर्स आपको है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 16 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 16 जो आपको बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेबिटर, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बैंक बॉन्ड होल्डर। अब क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया मतलब पैसा मार्केट में ज़्यादा आ गया, मार्केट में ज़्यादा आ गया मतलब आपको परचेसिंग पावर ऑब्वियसली कम जाता है, तो जो मनी जब सप्लाई बढ़ गया, परचेसिंग पावर कम गया, महंगाई हो गया, बढ़ गया, तो उस कंटेक्स में अगर कोई अगर बॉन्ड होल्डर है, तो बॉन्ड होल्डर मतलब कोई बॉन्ड को अगर कोई ख़रीदा है कि उसको हमको प्रॉफिट मिलेगा 5% या 15% या 20% का रेट से, बट चूंकि वैल्यू का ही कम गया, मतलब मनी का जो वैल्यू ही है डिक्रीज हो रहा है, तो उस हिसाब से जो लोन ले रहा है उसके लिए फ़ायदा है, बट जो लोन दे रहा है उसके लिए क्या है, घाटा है, ठीक है। तो इस हिसाब से इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेबिटर जो है वो आपको करेक्ट स्टेटमेंट है। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड होल्डर चूंकि उसको फ़ायदा नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू ही आपका क्या आ गया, मनी का वो कम हो गया। तो 16 का जो है वन इज़ द करेक्ट आंसर, 16 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17 की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स, ठीक है। तो डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, ये डिस्कस्ड का मतलब होता है आपको प्रचन्न बेरोजगारी। तो प्रचन्न बेरोजगारी में हम लोग कहते हैं डिस्कस्ड इन डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग कभी कभी ये इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एक ही जगह पे जो भी रिक्वायरमेंट होता है उस रिक्वायरमेंट से लोग ज़्यादा करते हैं, वर्किंग पर्सन मोर देन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर जो है वो 17 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर इज ज़ीरो। जनरली एक ही जगह पे लोग ज़्यादा लोग काम करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर क्या होगा, वो कम जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट तो समझ गए, इसके अलावा भी कौन किस तरह के होते हैं, जैसे और टाइप के जो भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसके बारे समझ लेते हैं। जैसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है जिसको हम बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। तो संरचनात्मक बेरोजगारी में, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में किसी प्रकार का अगर टेक्नोलॉजी चेंज आता है उसके चलते जो है वो बेरोजगारी उत्पन्न होती है। एक होता है आपको फ्रिक्शनल बेरोजगारी जिसको हम बोलते हैं आंशिक बेरोजगारी। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम नहीं मिलता है, आंशिक काम मिलता है, आंशिक काम नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको आंशिक बेरोजगारी। एक होता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि हमारा जानते हैं कि इकोनॉमिक एक साइकिल वे में चलता है, ठीक है, एक साइक्लिक ऑर्डर में थे, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक जो है अगर किसी का अगर बूम चल रहा है इकोनॉमिक तो वहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगा, उस तरह के लोगों का डिमांड बढ़ेगा, मगर एक टाइम का रिसेशन आएगा, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशन जो है आपको बेरोजगारी उत्पन्न होती है। एक होता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि इंडस्ट्री में किसी प्रकार का अगर इंडस्ट्री में किसी प्रकार का अगर कमी आया, ठीक है, लैक ऑफ इंडस्ट्री है, कम लोगों का इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री अगर बंद हो रहा है, ठीक है, तो उस तरह का इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट आता है। इंडस्ट्री बंद हो रही है तो जो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो जिसको हम बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी मतलब एक मौसम में लोग काम करते हैं, एक मौसम में काम नहीं करते हैं, तो जिस सीजन में एक्टिविटी होती है, काम चलता है, उसमें हम लोग काम करते काम लोग काम करते हैं, अब बस दूसरा सीजन में काम ही नहीं मिला, उसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे एग्रीकल्चर में, वुलन क्लॉथ में सेक्टर में, इस तरह के में। एक होता है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो शिक्षित लोग रहते हैं, हाईली एजुकेटेड रहेंगे बट उनको रोजगार ही नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये सारे टाइप ऑफ थे बेरोजगारी की। अब बात करते हैं, आते हैं पॉइंट पे, क्वेश्चन। यस, तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा है कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड सेट्स, ये सारे चार सेट्स दिए गए हैं,
आपको बताना है करंट सीक्वेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लिक्विडिटी, मतलब जो हाईली लिक्विड है उसको पहले बोलना, उसके बाद लेसर एंड लेसर लिक्विडिटी। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हाई लिक्विड सेट्स होते हैं वो करेंसी, करेंसी से आपको कभी भी कोई भी चीज़ की आवश्यकता होगा डायरेक्टली आप खरीद सकते हैं, तो सबसे लिक्विड सेट्स में है। अब दूसरा सिंपल शब्दों में लिक्विड सेट्स जो है ये कैसे समझते हैं, लिक्विड सेट्स जिससे आपको खरीद लिया है, करेंसी कोई भी पैसा है आपको 10-20 का नोट जाइए खरीद लीजिए दुकान से, इसके जगह अगर मान लेते हैं आपके पास सोना है तो सोना का भी कुछ वैल्यू है, मगर आप सोना से हर चीज़ को नहीं खरीद सकते ना, तो सोना किसी प्रकार का वो राशन का दुकान है और पे गए तो आपको वैल्यू तो है बट आप राशन उससे नहीं खरीद सकते, ये लेस लिक्विड है। अगर इसके बाद हीरा कहा जाता है, तो हीरा अगर क्या वो उससे क्या अगर सबसे कम लेस लिक्विड कहलाएगा, कि हीरा से अब वो भी नॉर्मल दुकान भी नहीं लेगा, मान लेते हैं कि छोटा मोटा जो है दुकान है वो सोना वोना खरीद खरीद के मैनेज कर लेगा, मगर हीरा तो कोई जल्दी खरीद नहीं क्योंकि उसका और वैल्यू है, तो हीरा यहाँ पे आएगा लेस लिक्विड। तो लिक्विडिटी का आपको आई थिंक आइडिया समझ में आ गया होगा। तो ये चारों स्टेटमेंट में दे रहा है कि कौन सा है करेक्ट करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो करेंसी जो रहता है वो हाई लिक्विड रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, ये जो है ये भी आपका नेक्स्ट आपको आपको लिक्विड एसेट्स रहेगा। उसके बाद है सेविंग डिपॉजिट विद, जो भी आपका सेविंग अकाउंट में अभी सेविंग पैसा है वो आपको पैसा से निकालिए और उसके बाद आप खरीद सकते हैं। तो तीसरा जो है आपको सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट किए हैं, अब वो टाइम पीरियड जब तक पूरेगा नहीं तब तक आप निकाल नहीं सकते, तो आपको ये क्या होगा लेस डिपॉजिट लेस लिक्विड रहा। तो करेक्ट आंसर है वो 4132, तो आपका 18 का आंसर है आपको दिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट लेंडिंग टू, तो प्रायोरिटी सेक्टर जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर है आपको एग्रीकल्चर भी है, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज भी है और वीकर सेक्शन को भी लोन मिलना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी बैंक को लेंडिंग करने के लिए अगर ये सारे लोग आते हैं तो उनको पहले दिया जाएगा एज पर RBI गाइडलाइंस, भले वो नीचे लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रहा है और अलग बात है, बट एज पर RBI दीज आर द प्रायोरिटी सेक्टर फॉर द लैंडिंग। तो आपको 19 का डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस में कॉज्ड बाय, तो अगर किसी बात किया जाए कि राइज इन जनरल प्राइस, अगर किसी वस्तुओं का अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट है आपको करेक्ट है। तो अगर राइज इन जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देन एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, तो जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा ऑब्वियसली ये करेक्ट है, ठीक है। तो मनी सप्लाई जो है आपका इंक्रीज होगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा जाएगा और डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा तब वस्तुओं की प्राइस बढ़ेगी। डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, तो ये डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट ये भी स्टेटमेंट सही है। अब कर इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड एंड इंक्रीज इन द इफेक्टिव नेट ओवरऑल डिमांड जो है वो इंक्रीज आएगा, ठीक है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, 1, 2, 3 ऑल आर द करेक्ट। किसकी बात किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइटम इंक्लूड इन इंडिया फॉरन एक्सचेंज रिजर्व, तो एक्सचेंज रिजर्व जो भी होता है इंडिया का उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सा आइटम को कंसीडर किया जाता है, ये आपका 21। तो सबसे ज़्यादा जो आपको जानते होंगे कि फॉरेन करेंसी जो एसेट्स जो है वो हमारा आएगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, डॉलर की बात किया जाए तो फॉरेन करेंसी है। इसके अलावा गोल्ड्स होल्डिंग जो RBI का होता है वो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आता है। इसके अलावा SDR, तो SDR बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है वो रिलीज करता है IMF इसको। तो ये सारे जो है ये तीन जो है आपको इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का है, ये सारे इंक्लूडेड है। तो 21 का डी इज द करेक्ट, 21 का बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, ठीक है। तो 22 का आपको बताना है कि कौन सा है जो आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, ये भी गलत, ये नहीं है, ये किसी प्रकार का इन्फ्लेशन के लिए नहीं है। इन्फ्लेशन कब होता है, जब पैसा मार्केट में इकोनॉमी में इंक्रीज करता है, तो अगर हम किसी प्रकार का रीपेमेंट करते हैं पब्लिक डेट में तो ये मार्केट में नहीं मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन को इंक्रीज नहीं करेगा। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फिनांस बजट डिफिसिट, ये भी इनकरेक्ट है। बोरोइंग फ्रॉम द बैंक टू फिनांस बजट डिफिसिट, ये भी गलत है। क्रिएटिंग अ मनी, अगर कोई मनी को क्रिएट कर रहा है फॉर बजट फिनांसिंग, जैसे अगर RBI को बोल दिया जाए, गवर्नमेंट बोल दिया कि आप पैसा छापो, जितना ज़्यादा पैसा छापेगा उस कंडीशन में जो है महंगाई आपको बढ़ेगा,
तो 22 का डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्रिएटिंग न्यू मनी, जितना ज़्यादा मनी को आप ज़्यादा छापोगे वो फॉर द बजट फिनांसिंग, ठीक है, वो हमारा जो है इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस कह रहा है क्वेश्चन 23 में है, सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी। तो अगर मनी का सप्लाई सेम है और डिमांड इंक्रीज कर रहा है, ऑब्वियसली इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो 23 का जो है बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात किया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरी टू हैव अकर इफ। अब किसी भी कंट्री में अगर इकोनॉमिक, मान लेते इंडिया है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में हो रहा है तो क्या है जो नेसेसरी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बात किया जाए कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है इसका मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे मनी जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट की बात किया जाए तो देयर विल बी कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल वहाँ पे इन्फॉर्मेशन हो रहा है इन द कंट्री एक्स, ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। 24 का सी इज द करेक्ट आंसर। 25 की बात किया जाए, 25 आपको नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू, अगर किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में नेशनल इनकम को अगर कैलकुलेट करना हो किसी भी कंट्री का तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चार ऑप्शन दिया गया है। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है खुद से, आप जो सिलेबस पढ़े हैं उसके अनुसार समझने की कोशिश कीजिए आपको क्या आंसर है, और जो भी आपको लग रहा है आप आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको देखेंगे कि किस तरह से आपका रिस्पॉन्स आ रहा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 26 की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 26 में है, द जनरल मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड द नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़। ये दो चीज़ आपको, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड नेट डिमांड एंड लाइबिलिटी, समटाइम्स अपीयर इन न्यूज़, देयर न्यूज़ आर यूज्ड इन द रिलेशन टू। तो आपको MSF जो है, MSF रेट और NDTL जो है, ये किस से संबंधित है, ऑब्वियसली ये बैंकिंग ऑपरेशन से संबंधित है, ठीक है। MSF और NDTL जो है आपको बैंकिंग ऑपरेशन में, तो MSF क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसके थ्रू क्या होता है कि कमर्शियल बैंक है वो किसी प्रकार का मतलब पैसे की आवश्यकता होगा, तो वो जैसे कि जब भी किसी बैंक में इंटर बैंक लिक्विडिटी कम्प्लीटली ड्राई अप हो जाती है तो ओवरनाइट आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आपको MSF के थ्रू कमर्शियल बैंक है वो RBI से पैसा ले सकती है, ठीक है। सो MSF इज़ अ प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न जिसके थ्रू RBI जो है कमर्शियल बैंक को लैंड करता है पैसा, ठीक है। अब बात करते हैं नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी क्या होता है, तो नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी है वो डिफरेंस है, जो भी मतलब NDTL जो है डिफरेंस है सम ऑफ द डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, सो जो भी डिपॉजिट करते हैं बैंक में इसका डिफरेंस है और जो भी डिमांड है, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस है NDTL। तो ये दोनों जो है टर्म है वो बैंकिंग ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है। कि क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, जिसको हम लोग होते हैं बैंक साथी, उनका क्या रोल रहता है, ठीक है। तो अब बात किया जाए कि जो भी आप जानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में बैंक को अच्छे से काम करे, लोगों के पास बैंक सर्विसेज जो है वो पहुँचे, इसीलिए कुछ कुछ जगह पे ब्रांचलेस जो है एरिया में एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस लगे रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैंक साथी, और वो फैसिलिटेट करते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी ब्रांच। छोटे छोटे आपको रहेंगे बिजनेस कंसल्टेंट और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है, ग्रामीण इलाकों में, छोटे दूर दराज में। तो उनका क्या काम रहता है, इट इनेबल द बेनिफिशरी टू ड्रॉ दियर सब्सिडीज एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन द विलेज। अगर ग्रामीण इलाकों में किसी प्रकार का बेनिफिशरी सब्सिडीज चाहिए, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स चाहिए ग्रामीण में, तो उन लोगों को फ़ायदा बैंक सर्विसेज कैसे है उसको पहुंचाने के लिए, उस सर्विसेज को देने के लिए बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट काम करते हैं। और दूसरा सर्विसेज क्या पाया जाता है, इट इनेबल द बेनिफिशरी इन रूरल एरियाज टू मेक डिपॉजिट एंड विड्रॉ। तो रूरल एरिया में अगर पैसा आपका जमा करना है, निकालना है, उसके लिए भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम द बैंक साथी। तो 1 और 2 जो है 27 का बी जो है करेक्ट आंसर है, तो सी इज द तीसरा जो है करेक्ट आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज इन इकोनॉमी, अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज किया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। डिक्रीज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, तो देखिए ऑब्वियसली जब भी इंटरेस्ट रेट कमेगा तो लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा बढ़ेगा मतलब लोग डिमांड करेंगे, ठीक है, और उस पैसे को अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में भी वो खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली डिक्रीज कह रहा है डिक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, ये गलत है, किसी प्रकार का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में डिक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, तो जब इंटरेस्ट रेट कम जाएगा लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है तो टैक्स कलेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, चूंकि ये ग्रोथ की बात की नहीं कह रहा है, ये यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो टैक्स कलेक्शन ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है, तो दूसरा भी जो है इनकरेक्ट है। तीसरा इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द कंपनी, ऑब्वियसली जब पैसा लोगों के पास रहेगा इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे, तो तीसरा जो है करेक्ट स्टेटमेंट। इंक्रीज द टोटल सेविंग इन द इकोनॉमी, ये जो है इनकरेक्ट है, ठीक है, टोटल सेविंग इंक्रीज करेगा ये नहीं है, इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में स्टैचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स का क्या पर्पस है। चार आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन सा हमारा पर्पस है। पहला दिया है टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांस द बैंक कैन क्रिएट। ऑब्वियसली ये जो भी मनी का कंट्रोल होता है वो आपको सेंट्रल बैंक करने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ SLR को, यहाँ पे स्टैचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिजर्व रिक्वायरमेंट्स SLR CRR ये सारे हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो स्टेटमेंट वन जो है आपको करेक्ट है। दूसरा है टू मेक पीपल्स डिपॉजिट विथ बैंक सेफ एंड लिक्विडिटी, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि अगर SLR का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली बैंक के पास पैसा, वो आपका बैंक का जो भी पैसा वो RBI के पास सेफ रहेगा, और जब भी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होगी तो RBI उस बैंक को रिटर्न दे सकती है, दे देगी। तो ये आपका है दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एक्सेस प्रॉफिट, तो किसी प्रकार का प्रॉफिट रिस्ट्रिक्शन के लिए SLR नहीं लगता, किसी प्रकार का प्रॉफिट को कम करने के लिए किसी प्रकार का रोकथाम RBI के द्वारा नहीं लगाता, तो स्टेटमेंट तीसरा गलत है। चौथा स्टेटमेंट टू फोर्स बैंक टू सफिशियंट वॉल्ट कैश, तो किसी प्रकार का ये फोर्सफुली नहीं कर सकता, ठीक है, वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, चौथा भी इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट वन टू इज करेक्ट, देन दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज इन इकोनॉमी इट विल, तो इंटरेस्ट रेट जैसे ही डिक्रीज करेगा तो मनी जो है वो इंक्रीज कर देगा इकोनॉमी में, जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है हमारा इंक्रीज करेगा, तो इसका जो है तीसरा करेक्ट है। 31 की बात किया जाए विथ रेफरेंस ऑफ यूनियन बजट, यूनियन बजट के अनुसार उसके रेफरेंस में नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, कौन कौन कवर किया जाता है, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट पेमेंट भी हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, सैलरीज एंड पेंशन भी जो हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट है, और सब्सिडीज। तो ये एक चार, एक से चार तक आपको सारे जो हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंडर आते हैं, तो 31 का तीन जो है वो आपको करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं 32 का, तो सेल्स टैक्स यू पे वाइल परचेसिंग अ टूथपेस्ट, तो अगर हम किसी भी सामान को खरीदते हैं लाइक टूथपेस्ट, तो जो भी हम खरीदते हैं तो उस वक्त क्या है सेल टैक्स पे होता है, तो सेल टैक्स जो पे करते हैं वो सेल्स टैक्स जो है वो कलेक्टेड बाय दी स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो इम्पोज बाय दी स्टेट गवर्नमेंट, तो ये जो है 32 का जो है चार इज द करेक्ट आंसर। 33 की बात किया जाए व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5-year plan, तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना ये थी उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, तो 33 का जो है चार इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में बताना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को है कौन पब्लिश करता है, तो इट इज़ पब्लिश्ड बाय द इंडियन मॉनिटरी द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तो IMF जो है आपको 34 का फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को रिलीज करता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कीजिए क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, ये आपको WH मिस हो गया, इन विच
जहाँ पे नाइदर एक्सपोर्ट और नॉर इम्पोर्ट, तो ये आपका 35 का डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए। आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।